what would you like to say about Green? अभी तक बहुत अच्छे ड्रामे आए, कॉन्सेप्ट चेंज किए हैं, तो क्रेडिट जाता है ग्रीन टीवी को. जेंटलमैन जो है वो कहीं और ले जाएगा. आई एम टेलिंग यू. और हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स टक. वी आर प्राउड टू बी हियर एट द इवेंट. आई थिंक ब्लॉकबस्टर होगा, सो व्हेनेवर यू आर सिटिंग डाउन एंड वाचिंग इट, ग्रैब योर पैक ऑफ टक एंड एंजॉय द शो. आपने इतने डाइवर्स कैरेक्टर्स परफॉर्म किए एंड यू आर कमिंग बैक ऑन स्क्रीन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. व्हाट एग्जैक्टली आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट? आई मीन मैं जब 2-3 साल बाद ड्रामा करता हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि वो ऐसा कैरेक्टर हो या ऐसा ड्रामा हो जो लोगों को अच्छा लगे, और मेरे कैरेक्टर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट हो. तो ये खलीलुर्रहमान कमर साहब ने लिखा हुआ बहुत अच्छा था. जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा आई हैव टू डू इट. Gentlemen itself was a great experience. मैं उसका एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्ट हूँ जेंटलमैन का. आप लोग देखेंगे तो एंजॉय करें. And now we have with us Karangi के बड़े भाई प्रेमती. Thank you so much for remembering me by the name Remati. And I must say that you know Karangi का बड़ा भाई is here now and he's about to hand over. Kurangi, do and die to the chota bhai. Actually, literally very excited. I think it's a great addition in terms of genre. Is tarah ke drama banne chahiye. To aap bataye ki is premiere par aaj aap gentlemen se kya expect kar rahe hain? Well, I'm expecting nothing but the best. Because kitne zyada bade naam jode hue hain. Humayun Saeed, Yumna Zaidi, Khalilurrahman Qamar, Haisam Hussain. Kya hopes hai aapki? Kya expectations hai? Hopes bahut high hai kyunki teasers promos bade promising hai. Phir Yumna is there, Zahid bhi hai. To cast badi achhi hai, par Haisam Hussain is the director, ek behtareen director hai wo. अच्छा, ग्रीन के साथ काम करके कैसा कैसा फील हुआ? देखिए जी, हमारा पहला प्रोजेक्ट है. इट्स अ गुड प्रोजेक्ट. एक डिफरेंट है. You know, मैं पहली बार मैंने देखा है कि इतना टीजर्स या ट्रेलर्स के ऊपर टीवी के किसी सीरियल के इतना बड़ा रिस्पांस आया हो, तो I'm glad. अच्छा, ट्रेलर देखते मुझे लग रहा है सबके बड़े मजेदार कैरेक्टर्स हैं, सबके जो लुक्स बनाए गए हैं हुमायूं सईद का, यमुना ज़ैदी का, सबके आई थिंक बहुत कमाल के इसमें रोल होने वाले. एंड वी आर ग्लैड टू बी हियर. वी आर वेरी प्राउड टू बी स्पॉन्सरिंग दिस ड्रामा. ग्रीन चैनल एक ऐसा चैनल है जिसके बारे में कहेंगे कि जी आया और छा गया. टेलीविजन ड्रामे के हिसाब से बहुत फिल्म है और हमें मजा आया क्योंकि नॉर्मली आप एक्सपेक्ट नहीं करते जब टीवी ड्रामा देख रहे होते हैं फिल्म स्क्रीन पे, तो आपको फिल्म लगती नहीं है, लेकिन ये फिल्म लग रही थी. सो पूरा कॉम्बो बड़ा अच्छा है. हाउ डू यू फील अबाउट द प्रीमियर ऑफ आवर सिग्नेचर प्रोजेक्ट जेंटलमैन राइट नाउ? इट्स सो एक्साइटिंग. और ऑनेस्टली बताऊं कि मैं स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहा था. इट्स अमेजिंग. बहुत मजा आया. मायो अदनान सिद्दीकी, दे आर सो ग्रेट एक्टर और इन्होंने बड़ा काम किया हुआ है अपने वक्तों में. One sided love वो रोज़ा है जिसकी अफ़तारी नहीं होती. और भी बहुत से डायलॉग हैं मगर याद मुझे. The drama itself, the story is very different. तो जब पहला टीजर आया था तो I thought wow it's different. Plus I think मैंने हुमायूं भाई को ऐसे रोल में नहीं देखा, अदनान भाई को भी ऐसे रोल में नहीं देखा, तो it's out of the box. Amazing, amazing. मुझे बड़ा अच्छा लगा युवना और हुमायूं से साथ में, और मैं हमेशा चाहती थी कि अब ये कपल बने और ये फाइनली बन गया, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. एक अच्छा एंटरटेनमेंट जो है ना वो लोगों को देखने को मिलने वाला है. अच्छा, हुमायूं इज कमिंग ऑन स्क्रीन आफ्टर इयर्स और उनका पिछला जो प्रोजेक्ट था इट वाज अ ब्लॉकबस्टर, राइट? सो ये प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है? ये भी ब्लॉकबस्टर ही है क्योंकि जो इसकी ट्रेलर आया, जो टीजर आए थे, उसमें मजेदार वाइब आई है, कुछ हटके है. बिकॉज नॉर्मली हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर गैंगस्टर्स और इस तरह कहानियां नहीं देखते. ग्रीन का सिग्नेचर प्रोजेक्ट है. व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? हाउ डू यू सी इट? व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? Honestly, I'm looking forward. It's not that I am not aware of Green and their baby steps and their initial, courage, actually. Main ki courage ko isliye appreciate karungi because it's not really easy to come that strong with such a strong mindset. And they have been proving it with every next project that's coming on. So all the very best, really excited, looking forward, kudos. And what would you like to say about Green? Green always goes for something which is out of the box. Humayun bhai, jo quality wo table par lekar aate hain, koi nahi lekar aata. So when they are joining hands, sky is the limit.
So obviously expecting like a top-notch product and a path-breaking thing from them. And let's see how it... Well, I'm excited that bhai Humayun Seth ki wapsi ho jaye television screens par itne saalon ke baad. Yumna Zaidi, Humayun Seth, first time ikatthe aa rahe hain. So bahut zyada excitement hai. और गेन ने बहुत एक इंटरेस्टिंग एक नया वेव आया कंटेंट का तो आई एम ग्लैड कि गेन इसको बरकरार रख रहा है और एक और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आ रहे हैं व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू टेक ऑन दिस कैरेक्टर कैन यू प्लीज जस्ट नेम वन ऑफ कोर्स द राइटर ऑफ कोर्स द डायरेक्टर ऑफ कोर्स द चैनल ऑफ कोर्स द कास्ट पुश यमुना ऑफ कोर्स यमुना इज देयर एंड ऑफ कोर्स हमायू बहुत ही अमेजिंग है इट्स मोर लाइक अ फिल्म देन अ ड्रामा आई थिंक ये बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट है पर ऑडियंसेस बहुत एंजॉय करी हेरा कैसे लगा हां बहुत अच्छा लगा मुझे काफी पसंद आया बड़ी कमाल डायरेक्शन थी आयसम की और यमुना और हुमायूं सईद कमाल लग रहे हो आयसम हुसैन बहुत दिनों बाद देखे स्क्रीन पे और अदनान सिद्दीकी ने कमाल कर कांग्रेचुलेशंस इट फेल्ट लाइक आई वाज वाचिंग अ फिल्म नॉट अ टीवी ड्रामा ग्रेट मूवमेंट इन स्टोरी ग्रेट मूवमेंट इन कैमरा ग्रेट एक्टिंग बाय द एक्टर्स आई थिंक एवरीथिंग वाज जस्ट सो लवली अबाउट दिस एंड आई So looking forward to the rest of the episodes. Well done. बहुत अच्छा ड्रामा है बहुत अरसे बाद इस तरह के ड्रामे आते हैं जो ड्राइंग रूम से बाहर निकल के बनते हैं आई थिंक सबको देखना चाहिए एंटरटेनर है ड्रामे की पेस जो है ज्यादा लग रही है और बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं साउंड लाइटिंग इज एब्सोल्युटली ग्रेट अच्छा लगा मुझे तो अभी तक बहुत मजा आया देख फनी में एक्शन भी है सस्पेंस भी है और मजे अमेजिंगली शॉट सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी आपको सबके I'm very honored. Took the screen. No. You just cannot say this. I believe, you know, whenever the actor shines, there's a hard work of a writer and then the director and the cast around you. Creme de la creme. आप किसी को भी देख ले एक से बढ़कर एक क्या यमुना की परफॉर्मेंस है क्या हुमायूं की क्या दिलबर की परफॉर्मेंस है तो जब इनके साथ आप अदाकारी करेंगे तो थोड़ा बहुत तो आप भी चमकेंगे ना In their reflection, I kind of like fell in love with the character Remedy, and that's because of what my director asked me to do. That's about it. Yeah. अभी तो आप देखिएगा, अभी तो शुरू हुआ है, आगे देखिएगा क्या होगा. देखिए नया ड्रामा सीरियल Gentleman 12 मई से इतवार रात 8 बजे सिर्फ Green Entertainment पर.